हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हूँ। तो मैं आ गया हूँ आज आप सभी लोगों ने वीडियो लेके हैं। तो गाइस, आज आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक बिना स्किप करे देखते रहिएगा। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप सभी लोग फ्री में अपनी एक ब्लॉग वेबसाइट यानी कि वेबसाइट क्रिएट करके किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। वो सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, किस तरीके से वेबसाइट बनानी है, किस तरीके से कंटेंट डालना है, अर्निंग कैसे होगी, सारे प्रूफ्स और एनालिटिक्स इस वीडियो में मैं आपको मतलब बताने वाला हूं। तो वीडियो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखते रहेगा। और साथ ही अगर वीडियो पर यानी कि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो ओनली ऑन 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट शुरू कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन अपनी एक वेबसाइट शुरू कर सकते हो। जो भी बेसिक बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल नहीं पता कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, ठीक है। गूगल पर जाने के बाद आपको ब्लॉगर लिख देना है। तो अब ये ब्लॉगर क्या है? तो ब्लॉगर गाइस एक मतलब गूगल का ही एक मतलब प्रोडक्ट समझ सकते हो आप, जिसमें आप सभी लोग अपनी एक फ्री की वेबसाइट शुरू कर सकते हो और वहां से आप सभी लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अब ब्लॉग के आप बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कर देना है, जो पहले पहला रिजल्ट आएगा। अब जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि मतलब वेबसाइट किस तरीके की दिखाई देती है, क्या होती है, वैसे तो आप सभी लोग भी कभी ना कभी किसी न किसी वेबसाइट पर आए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, ये हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, फर्स्ट लिंक पर आप देख सकते हो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट से हम अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, लेकिन अब भी हम यहाँ से बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रहे, क्योंकि गाइस बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसके बारे में बाद में बताएंगे आपको। तो यहाँ पर अगर आप भी ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आसानी से बना सकते हो। और अगर मेरी बात करें तो मेरी इस वेबसाइट के अलावा बहुत सारी और भी वेबसाइट है जहाँ से मेरी अर्निंग्स हो रही है, ठीक है गाइस। तो वो भी मैं आपको एनालिटिक्स और प्रूफ बताऊंगा इसी वीडियो में आगे, ठीक है गाइस। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले साइन इन कर लेना है आप सभी लोगों को अपनी ब्लॉग, जो भी आपका मतलब गूगल अकाउंट है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करोगे तो भी ये आपके उस साइन इन वाले अकाउंट पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए हम सबसे पहले लॉग इन कर लेते हैं हमारे गूगल अकाउंट से। तो गाइस, जैसे ही आप सभी लोग अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा कि आप अपना कंफर्म करो आपके प्रोफाइल नेम। आपके प्रोफाइल नेम यानी कि जैसे मैं इस वेबसाइट पर विजिट कराऊं तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी मतलब आर्टिकल्स है उसके यहाँ पर जो है हमारा प्रोफाइल नेम लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। तो ये प्रोफाइल नेम आपका डालना है आपको कि आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हो प्रोफाइल नेम। तो चलिए मैं भी यहाँ पर कुछ प्रोफाइल नेम डाल देता हूँ और आप भी डाल दीजिए। तो गाइज मैंने हमारे चैनल का ही नेम डाल दिया है, ठीक है। और आप नेम डालने के बाद आपको कंटिन्यू टू ब्लॉगर पर क्लिक करना है। वैसे बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर है जिनको पता होगा किस तरीके से एक ब्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये पूरी सीरीज आएगी तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, जहाँ पर मेरे को लगा कि ये चीज़ मोबाइल में बतानी चाहिए। जिन लोगों के पास डेस्कटॉप नहीं है यानी कि जैसे मोबाइल से कुछ कोडिंग कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं मोबाइल से भी बताऊंगा, ठीक है। और जो जो अभी तक मैं डेस्कटॉप पर बता सक रहा हूँ, जो आप मोबाइल में कर सकते हो, वो मैं डेस्कटॉप पर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे क्रिएट वहां पर साइन इन करने के बाद अपना नेम डालोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। क्रिएट न्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर क्या करना है आपको, टाइटल, एड्रेस और थीम, तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन पर आपको क्या फील करना है, तो जैसे आप जब देख सकते हो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया गाइज गूगल पर जो हमारे साइट का मैं जैसे मैंने नाम लिखा, तो गाइज यहां पर आपको देख सकते हो ये टाइटल लिखा हुआ आया। तो ये टैग भावेश भाईटी है, ये हमारी साइट का टाइटल है। तो आप आपकी साइट का क्या टाइटल रखना चाहते हो वो आपको यहाँ पर टाइटल में डालना है। इसके बाद जो एड्रेस वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एड्रेस आपको यहाँ पर ऊपर देखा हुआ है tagbhaveshbhaiti.com। तो ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। जैसे मैं इसे ओपन करूंगा तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा, https tagbhaveshbhaiti.com। तो आप आपकी वेबसाइट का जो भी एड्रेस रखना चाहते हो, यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह दिखाया गया है कि माई न्यू address.blogspot.com। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर तो ओनली फॉर डॉट कॉम है, लेकिन यहाँ पर blogspot.com भी लिखा हुआ आएगा। तो चूंकि आप गाइज आप सभी लोग फ्री में अपना ब्लॉग बना रहे हो तो ये अपना थोड़ा सा एक एक्सटेंशन देगा, ठीक है, blogspot.com। तो ये आपको मैनेज करना होगा, लेकिन आगे जाकर अगर आप बढ़िया यहाँ से अर्निंग कर सकते हो करते हो तो आप सभी लोग इसको अपडेट भी कर सकते हो .com में, .in में, .xyz में या फिर .org में, जो भी आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टाइटल डालना है, चलिए टाइटल डाल देते हैं। लेकिन
गाइज यहाँ पर एक और मेन बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ऑनलाइन करने अर्निंग करना स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक बढ़िया सा टॉपिक चूज़ करना होगा, ठीक है। अगर आप अभी कोई अपनी ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो तो इसके लिए भी आपको एक टॉपिक चूज़ करना होगा, उसी टॉपिक पर आपको जो है एक ब्लॉग वेबसाइट पर काम करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको एजुकेशनल के बारे में पूरा नॉलेज है, आप मतलब एजुकेशनल के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको एजुकेशनल वेबसाइट शुरुआत करनी है, एजुकेशनल टाइटल देना है और एजुकेशन से रिलेटेड ही मान लीजिए आप 12th के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो, तो इसी तरीके से आपको जो है अपना मतलब ब्लॉग क्रिएट करना है। अगर आपको गेमिंग का नॉलेज है, जैसे कि पबजी या फिर फ्री फायर और भी सारे गेम्स का नॉलेज रखते हो आप सभी लोग, तो आप अपनी एक गेमिंग की वेबसाइट बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप न्यूज़ से रिलेटेड मतलब आपको नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है जीके से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड, तो आप सभी लोग अपनी न्यूज़ वेबसाइट एक क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आप रखो आपका अपना एक टाइटल यहाँ पर बढ़िया सा रख सकते हो। मान लीजिए आप कोई न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो और आप सोच नहीं पा रहे हो कि भाई टाइटल क्या रखे, एड्रेस क्या रखे, तो आप गूगल पर जाकर मैन्युअली सर्च कर सकते हो किसी भी न्यूज़ वेबसाइट का। जैसे यहाँ पर मैं ABP लिख देता हूँ, ठीक है गाइज, तो यहाँ पर कुछ भी आप ABP न्यूज़ जो भी है आप लिख सकते हो, तो उनके बहुत सारे टाइटल्स आपके सामने आ जाएंगे, तो आप थोड़ा बहुत उनसे उनको टाइटल्स को देख कर आइडिया लगा सकते हो, ठीक है गाइज। इसी तरीके से आपको वर्क करना है, तो यहां पर चलिए हम कुछ टाइटल दे देते हैं, उसके बाद एड्रेस भी सेलेक्ट करते हैं। तो गाइज अब आप सभी को कुछ नहीं करना है, टाइटल देना है, टाइटल देने के बाद आपको आपका एड्रेस डालना है। जैसे मैंने टाइटल पर दे दिया राजस्थान लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया RJ लेटेस्ट न्यूज़। अब आपको गाइज यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि जैसे ही गाइज यहाँ पर देख सकते हो मैंने लेटेस्ट की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग डाल रखी है, क्योंकि यहाँ पर मैं सही स्पेलिंग डालता हूँ तो यहाँ पर ये वाला एड्रेस हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये एड्रेस पहले से ही किसी अदर पर्सन ने पहले यहाँ पर अप्लाई कर दिया, यानी कि ये तो हो गया ख़त्म। तो आपको कुछ डिफरेंट नेम डाल डाल के आपको देखना होगा कि ये एड्रेस अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया और ये एड्रेस मेरे को अवेलेबल मिल गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपका जो भी ये डोमेन नेम है आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड ही रखना है, ताकि आपकी वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक करे। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से थीम ये ऑसम वाली सेलेक्ट कर सकते हो या फिर जो डिफॉल्ट थीम है उसको ही आप सेलेक्ट रहने दे सकते हो, और जैसे ही आप क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करोगे तो आपकी एक वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगी। अब उस पूरी वेबसाइट को मैनेज कैसे करना है और वहाँ से आपको पैसा कैसे अर्न करना है, इसके बारे में भी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है गाइज। तो जैसे यहां पर आप क्रिएट ब्लॉग का करोगे थोड़ा सा रिडायरेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपको सामने गूगल डोमेन्स या ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, तो इसको आपको कट कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कट कर देनी है। अब आपके सामने इस प्रकार का एक पूरा डैशबोर्ड क्रिएट मतलब आपके सामने आ जाएगा डैशबोर्ड, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका कुछ डिस्प्ले, जो भी आपने नेम डाला था वो नेम भी आ रहा है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है गाइज, आपको सेटिंग के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर बेसिक सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यही चीज़ आपको सेम मोबाइल में करनी है, मोबाइल में आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे होंगे क्रोम ब्राउज़र पर, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पर टिक करके इसको पूरे मोबाइल की स्क्रीन को डेस्कटॉप में वे में ओपन कर लेना है, ठीक है। अब आपके सामने इस प्रकार का एड्रेस आएगा, जो आपने टाइटल डाला था वो टाइटल आ चुका है। अब बात आती है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर कि आपको डिस्क्रिप्शन क्या डालना है अपनी वेबसाइट का, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम यहाँ पर सर्च किया था, ठीक है, तो उसके नीचे आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है, टैग भावेश YT वी प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लॉगिंग। तो इसी तरीके से आप सभी लोग अपनी वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा सा मतलब बढ़िया बढ़िया जो है डिस्क्रिप्शन डालें, जो जो भी आप अपनी वेबसाइट पर शेयर करोगे कॉन्टेंट उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर मतलब डिस्क्रिप्शन डालना है। लेकिन इसको डालने का भी एक तरीका है, अब डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारे कीवर्ड्स डालने हैं जो आप मतलब गूगल पर सर्च करवाना चाहते हो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हो मैंने टैग भावेश YT यहाँ पर सर्च किया तो मेरी वेबसाइट आ गई। अब वो क्यों आई, क्योंकि मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में सेम कीवर्ड डाल रखा है, ठीक है, तो ये कीवर्ड डाला इसलिए ये वेबसाइट आ गई। तो आप आपकी वेबसाइट को किन किन कीवर्ड्स पर रैंक करवाना चाहते हो वो सारे कीवर्ड्स आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारी वेबसाइट से रिलेटेड थोड़ा बहुत यहाँ पर कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, तो आप चाहो तो गूगल पर सर्च कर सकते हो, जैसे जो आपकी वेबसाइट का टाइटल है उसी टाइटल को आप डायरेक्टली गूगल पर डालो, ठीक है। अब गूगल पर जैसे ही आप डालोगे तो आप डालने के बाद आपको क्या होगा कि नीचे बहुत सारे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सारे आपको यहाँ पर वैसे तो टाइटल्स मिल जाएंगे, लेकिन आप डायरेक्टली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पर मतलब ये मिल जाएंगे, ठीक है, सारे ये मतलब आपको सर्चेस मिल जाएंगे। तो इन सर्चेस को भी आप सभी लोग डायरेक्टली अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, इनको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। सेम काम आप मोबाइल में भी कर सकते हो, एक नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड में सारे कीवर्ड्स को डाल देना है। अब इनको आप थोड़ा थोड़ा सा मतलब चेंज करके एक बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन बना सकते हो।
तो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ मेन मेन कीवर्ड्स ले लिए जो गूगल पर बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, क्योंकि इन कीवर्ड को हम हमारी वेबसाइट पर डालेंगे तभी तो हमारी वेबसाइट गूगल पर कोई बंदा सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट आएगी, और जब हमारी वेबसाइट आएगी और वेबसाइट से यूज़र हमारी वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है, तो तभी तो हमें अर्निंग होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे कीवर्ड्स आपको उठा लेने हैं और डायरेक्टली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर एडिट पर क्लिक करना है, सारे कीवर्ड्स को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन होगा प्राइवेसी का, इसमें आप सभी लोग को यस यस करके ही रखना है, इसको यस मतलब नो में नहीं क्लिक करना है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो अपनी वेबसाइट का जो आपने पहले एड्रेस डाला था वो सारे एड्रेस आप सभी लोग चेंज भी कर सकते हो फिर से, और यहाँ का आपका बेसिक काम हो चुका है, ठीक है गाइज। अब आप यहाँ से आपको कुछ कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ करना है, वो काम ये है कि आपको सर्च प्रेफरेंस पर आना है, और यहाँ पर जैसे आओगे यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ मेटा टैक्स लिखा हुआ होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने वो कीवर्ड्स वहाँ से उठाए थे वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पर डाल देने हैं। यहाँ पर आप मतलब 150 कैरेक्टर का ही कीवर्ड्स डाल सकते हो, तो देखते हैं यहाँ पर ये सेव होता है या नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर सेव करोगे सेव हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा कैरेक्टर आप कम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपका लगभग सारा काम अभी तक का हो चुका है, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आप ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है गाइज। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हो जो हमने हमारे वेबसाइट का एड्रेस डाला था वो एड्रेस आ गया है, और वेबसाइट अभी लोड हो रही है। तो अभी आप सभी लोग देख सकते हो वेबसाइट इस तरीके की दिखाई दे रही है, अभी कुछ भी हमारी वेबसाइट पर नहीं है, तो देयर इज नथिंग नथिंग हियर, ठीक है। अब इस वेबसाइट को आप सभी लोग इस तरीके की कैसे बना सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट इस तरीके की किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि सारा कंटेंट कैसे डालना है, ये मेन्यू वेन्यू किस तरीके से आएंगे, इस तरीके का थीम कैसे लगा सकते हो, पॉपुलर पोस्ट, रिसेंटली पोस्ट, सब कुछ ऐसे एडिट करना है। आगे से आगे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना ताकि सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। हर एक वेबसाइट का अलग अलग थीम आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सभी लोग अपनी फ्री वेबसाइट बना सकते हो। अब जो आपने डिस्क्रिप्शन डाला था वो सारे डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये तो कुछ बेसिक सेटिंग थी। अब कल गाइज मैं आपको जो वीडियो आएगा उसमें बताऊँ, यानी कि गाइज अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कैसे आप सभी लोगों को आर्टिकल लिखना है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल लिखने के बाद ये सारे लेबल्स कैटेगरीज कैसे आपको बनानी है, जैसा देख सकते हो यहाँ पर एडसेंस, अफिलियट, ब्लॉगर, ब्लॉगर टेम्पलेट्स, ब्लॉगिंग फेस्टिवल, वायरल स्क्रिप्ट, ये कैसे बनानी है। इसके अलावा ये सारे आपको लेबल्स कैसे लगाने हैं, ठीक है, ये मतलब मेन्यू, और मेन्यू में आपको सब मेन्यू कैसे बनाना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाना है, यहाँ पर आपको ये सारे पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, यहाँ पर ये ऊपर कैसे लगेंगे, इसके अलावा आपको आपकी वेबसाइट की मतलब जो भी आपके इंस्टाग्राम के लिंक्स है वो लिंक्स कैसे लगाने हैं, ठीक है, या फिर नीचे लिंक्स कैसे लगाने हैं, सब कुछ आपको पूरे मतलब स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि कैसे आप सभी लोग फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद ये भी बताया जाएगा कि पैसा कैसे कमाएंगे, अभी आपकी शुरुआत हुई है, ठीक है गाइज। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप वेबसाइट से किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, कौन कौन से वेज है, ठीक है गाइज। तो सबसे मेन और सबसे सरल और सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। आपने देखा होगा आप भी कभी किसी वेबसाइट पर मतलब अगर जाते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर राजस्थान लेटेस्ट न्यूज़ लिखा है तो मैं ये एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, तो इस वेबसाइट में जाओगे, ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है गाइज। तो अभी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट शो होंगे, तो उन एडवर्टाइजमेंट का ही पैसा मिलता है। जब कोई यूज़र आता है और उन एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करता है तो उन क्लिक्स का जो है हमें पैसा मिलता है, और यहाँ से अच्छा खासा पैसा बहुत सारे न्यू न्यू ब्लॉगर्स कमा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो ये वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पर बहुत ही ज़्यादा ट्राफिक आता है, यानी कि बहुत सारे यूज़र्स आते हैं, तो वो यूज़र आते हैं और बहुत सारे क्लिक्स होते हैं, तो पर डे के बहुत सारा अर्निंग आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी एक बढ़िया सी एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, धीरे धीरे जब आपकी वेबसाइट पॉपुलर होती जाएगी और अच्छा खासा ट्रैफिक आता जाएगा, तो अच्छा खासा पैसा कमाना आप शुरू कर दोगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है गाइज। तो स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। जो बंदे मतलब जिनके पास पीसी नहीं है, मोबाइल से वर्क करते हैं, ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना, मैं उनको भी बता दूंगा कि मोबाइल से कैसे सोल्व करना है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।